तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के खाने में बन रहे हैं पराठे, तो ये हम लोग बना रहे हैं पराठे कुछ जो है अचार के साथ, बच्चे खाएंगे ये पराठे। ये देखें ये पराठे जो हैं मेरे कुछ जो है वो मैंने बना लिए, अभी कुछ तैयार हो रहे हैं। और तो ये देखें ये पराठे जो हैं वो हमारे तैयार हो रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी, ये कल नहीं मैंने बनाई थी, अभी बना रही हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा पहले तेल में फ्राई करना है, कुकिंग ऑयल मैंने डाल लिया इसमें तकरीबन आधी प्याली के बराबर। तो पहले मैं ये सारी भिंडी जो है वो इसको फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसकी जो लेस है ना वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम हाई भी कर सकते हैं आप लोग, स्लो फ्लेम पे नहीं करना है इसको, मीडियम पे यहाँ पे हाई पे कर ले आप लोग, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको चलाते जाएंगे हाई फ्लेम पे, ये जो है ना वो इसकी लेस जो है वो ख़त्म होती जाएगी। अभी ये देखें जब हम चम्मच चला रहे हैं तो ये लेस इसकी जो है ना वो अभी तक इसके अंदर लेस है। ये देखें थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा, तकरीबन जो है वो 4-5 मिनट के लिए हमने इसको जो है ना इस तरह ही चलाना है, इसको फ्राई करना है इसको, फिर निकाल लेंगे इसको हम। तो ये देखते हैं भिंडी जो है वो जी मैं इसको जो है वो फ्राई कर रही हूँ, इसमें हमने इतनी फ्राई करनी है कि बस इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए और इसकी जो अंदर एक लेस सी आ रही होती है ना उसको हमने इसको ख़त्म करना है, फिर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए काफ़ी चेंज हो गया है इसका कलर और लेस भी ख़त्म होना शुरू हो गई है। देखिए कैसे हाई फ्लेम पे मैंने इसको जो है वो मैं बना रही हूँ, तो 1-2 मिनट के लिए और मैं रखूँगी, फिर उसके बाद जो है हम इसको मसाले में फ्राई करेंगे, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करते हैं। तो ये देखें भिंडी हमारी जो है वो फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तेल नहीं आपने निकालना है इसमें से, इसी तेल में हम प्याज फ्राई करेंगे और फिर इसका मसाला जो है वो तैयार करेंगे, इसको हम इस तरह ये है निकालते जाएंगे। सारी भिंडी इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर सारी भिंडी जो है वो हमने निकाल ली है, देखें कितनी मज़े की लग रही है। अब इसी ऑयल में हम जो है वो ये प्याज डाल देंगे, 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने कटिंग कर लिए थे, इसी ऑयल में इसको हमने जो है वो गोल्डन फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करेंगे अभी इसमें प्याज को, गोल्डन फ्राई करके फिर इसमें मसाले डालेंगे बाकी के। तो यहाँ पर प्याज को हमने जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा गुलाबी हो तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। ये देखिए 2 खाने के चम्मच मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ही इसमें टमाटर डाल दूंगी, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, साथ ही हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे। अब इस मसाले को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। भिंडी हम बना रहे हैं तो प्याज अगर इसमें जल जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, जला हुआ प्याज जो है ना उससे टेस्ट खाने का ख़राब हो जाता है, तो हम इसको इसी तरह बनाएंगे। इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई करूँगी। मसाला जो है वो थोड़ा बहुत नीचे से अगर लगे तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर जो है वो पानी ऐड कर दें ताकि मसाला जो है वो जले ना, ज़्यादा पानी नहीं डालते भिंडी में। इसको हमने फ्राई फ्राइज बनाना है तो ये बहुत मज़े की बनेगी भिंडी, बस इसको हमने यही मसाले को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर भी इसी तरह जल जाए। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करते हैं।
ये देखें अभी मसाला हमारा काफ़ी अच्छा सा फ्राई हो गया है, टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं इसके अंदर। तो अभी हम इसके अंदर जो है वो डाल देंगे ये फ्राई की हुई भिंडी। इसको अब हमने इस मसाले में अच्छी तरह से फ्राई करना है, फिर थोड़ी देर के लिए हम ढक कर इसको रखेंगे। आप अगर इसको पहले फ्राई करेंगे ना तो आपको मसाले में ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ेगा और आपकी भिंडी जो है वो खिली खिली सी फ्राई भिंडी बनेगी। ये देखिए इस तरह आपने इसको फ्राई करते जाना है, तेज़ आंच पर ही करना है, हल्की आंच पर नहीं करना, तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, तो आपकी भिंडी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करते हैं ताकि नीचे लग ना जाए ना, ये जलना शुरू हो जाता है नीचे से। ये देखें इसको हम साथ साथ हिलाते जाएंगे। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी खिली खिली सी भिंडी लग रही है अलग अलग सी, और इसमें ज़रा भी लेस नहीं आ रही है, बहुत मज़ेदार भिंडी जो है वो कट कर तैयार हो रही है और खुशबू भी इसकी बहुत ही मज़े की लग रही है। इसको मैं फ्राई करके आपको डिश आउट करके कासल और रियल लुक दिखाती हूँ आपको। देखें हमारी भिंडी जो है वो बनकर रेडी हो गई, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, कितनी मज़ेदार सी जो है वो फ्राई भिंडी हमारी तैयार हो गई है। तो कैसी लग रही है मेरी रेसिपी आज की आपको? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।